6 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इसका उद्घाटन। मीरा रोड के नाट्य गृह का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब तक कई बार दौरे किए जा चुके हैं और इस बार शायद लगता है पूरा फाइनल दौरा होने वाला है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पे 5 या 6 तारीख को आने वाले। इस वक्त हमारे साथ में विधायक प्रताप शर्मा के, आइए जानते हैं उन्होंने जो दौरा किया है क्या कमोबेश कमी भी थी जो होना बाकी है या हो चुका है पूरा, क्या कहेंगे सर? नहीं, नाट्यगृह का काम जो हिसाब से उन्होंने टाइमिंग दिया था तो पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम सिर्फ बाकी है और 6 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी, ये सभी लोग साथ ही में ठाणे जिले के सभी लोक प्रतिनिधि, मीरा भाईंदर के सभी माजी सांसद, माजी आमदार और माजी महापौर, इन सभी लोगों का सम्मान करने का भी मैंने बोला है क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में पहली ऐसी वास्तु हो रही है जो मीरा भाईंदर शहर की शान होगी। तो हमने कमिश्नर साहब को यही विनती किए थे, सभी लोगों को लेके, सभी जाति धर्म के और सभी पार्टी के लोगों को विश्वास में लेके उसका उद्घाटन होना चाहिए और हम सभी लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं ताकि कोई नाराज ना हो। साथ ही में लता जी का नाम देने का भी महासभा में तय हो गया है और अब्दुल कलाम जी का नाम भी स्विमिंग पूल को देने का तय हो गया। तो नाट्य क्षेत्र से संबंधित और संगीत क्षेत्र से संबंधित लता जी का नाम होगा और बच्चों को आप दिल से ज़्यादा प्यार करने वाले अब्दुल कलाम जी का भी नाम देने का निर्णय जो माननीय महापौर जी ने किया उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसे सुनहरे मौके पे मैं तो ये बोलता हूँ ये मीरा भाईंदर के सभी लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए और साथ ही में ये जो आयोजन किया है महानगर पालिका के माध्यम से तो उसमें सहभागी होना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में 1000 कैपेसिटी वाला ये पहला नाट्यगृह है और छोटा नाट्यगृह जो होगा वो 300 कैपेसिटी का होगा। तो 1300 आसन क्षमता का ये हॉस्पिटल अभी 6 तारीख को लोगों, मीरा भाईंदर के साथ साथ आजू बाजू के सभी लोगों को ये समर्पित किया जाएगा। बहुत साल, तकरीबन 7 से 8 साल प्रयास करने के बाद में ये नाट्यगृह का उद्घाटन हो गया और मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये पहला नाट्यगृह है कि महानगर पालिका या शासन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होते हुए ये कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से 100 करोड़ से ज़्यादा इसमें लागत लगी है तो ये नाट्यगृह तैयार हो गया है। तो मैं मीरा भाईंदर के सभी अधिकारियों को, साथ में विकासक को भी धन्यवाद देता हूँ कि शहर के लिए बहुत ही अच्छा योगदान आप लोगों के साथ, हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी दिया। तो 6 तारीख से ये पर्दा खुलने वाला है और बहुत धूमधाम से इसका उद्घाटन होगा। भूमि पूजन के समय उद्धव ठाकरे आए थे, क्या उद्घाटन के समय उनको बुलाया जाने वाला है? देखिए, उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब से लेके सभी पार्टी के, सभी दलों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सिर्फ जिनको वक्त होगा वो लोग आएंगे, मगर ये बात तय है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी ने टाइमिंग दिए, हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। कांग्रेस के भी मुजफ्फर हुसैन से मेरी बात हो गई है, गिलबर्ट मेंडोसा, नरेंद्र मेहता जो माजी विधायक थे, साथ ही में राम नाईक और हमारे राजन विचारे, आनंद परांज पे, संजीव नाईक के माजी सांसद, इन सभी लोगों को लेके हम चलेंगे। अभी निर्मला साबले महापौर थी, कैटलिन परेरा महापौर थी, हमारी डिंपल मेहता महापौर थी, हमारी ज्योत्नाताई हसनाड़े महापौर थी, तो इन सभी लोगों को हम लेके उनका यथोचित सम्मान यहाँ पे करने वाले हैं। सर, नाम को लेके कोई विवाद नहीं होगा ऐसा लगता है आपको, क्योंकि कुछ नहीं विवाद होने की, देखिए नहीं विवाद होने की जरूरत नहीं है। और जो नाम है वो नाम है भारत रत्न लता मंगेशकर भी थी और भारत रत्न आदरणीय अब्दुल कलाम भी थे, तो हम यही चाहते हैं कि नाम का विवाद नहीं हो और नाट्य क्षेत्र और ये जो संगीत क्षेत्र है उससे संबंधित ये नाम है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का यही कहना था, क्योंकि ठाणे का जब ही काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह हुआ तो हमने बोला था कि हमको शिवसेना प्रमुख का नाम इसमें देना है, तो उन्होंने कहा था नहीं, किसी का भी नाम मतलब जो क्षेत्र से संबंधित है वही कलाकारों का नाम यहाँ पर लगना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि विधायक प्रताप सरनाइक का कहना था कि इस नाट्यगृह का नाम
स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर नाम रखा गया है। और इस उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आजी माजी विधायक, महापौर सभी मौजूद रहेंगे। नाम को लेकर के किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इस तरीके की अपील भी विधायक प्रताप सरनाइक ने की है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।